अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वकास अहमद कासमी फ्रॉम मुजफ्फर ट्यूशन सेंटर। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत आसान है और इसकी डेरिवेशन भी एक छोटी सी है, वो तो अगर हम ऐसे भी समझ लें तो ईजी हो जाता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें। कॉमन सेंस की बात है, जैसे मिसाल के तौर पे चेज अप इम्तियाज वगैरह में आपने ट्रॉली ली और ट्रॉली आप मूव कर रहे हैं, तो अगर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आगे की तरफ ही जाएगी। ये नहीं होगा कि वो घूम के चली जाए अगर वहाँ पे मॉककिल ना हो। ये नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है, अगर कोई जेन्युइन नहीं होगा तो वो उसी तरफ अप्लाई होगी। अच्छा, फोर्स अप्लाई होगी और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये बात तो नॉर्मल है, लेकिन इसके लिए दो तीन बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात, उसका रिलेशन ये होगा कि फोर्स अगर कम मास है तो उस पर फोर्स ज़्यादा, अगर मिसाल के तौर पे एक बड़ा मास है तो उस पर कम फोर्स नहीं लगेगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी, कॉमन सेंस की बात है। और अगर कोई बड़ा मास है तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। तो ये एक रिलेशन हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया कि अगर मास बड़ा है तो फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। और एक्सीलरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे? अच्छा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तमाम नए आने वाले दोस्त के समझ लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अगर एक चीज़ ज़्यादा अप्लाई करें तो उसके रिएक्शन में ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। या ऐसे इस बात को और आसानी से ऐसे समझ लें कि अगर हम एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है तो इट्स अ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि मिसाल के तौर पे अगर हम छोटे मार्स पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और आसान कर लें तो अगर मास बड़ा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर मास छोटा है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, ये किस सूरत में होगी? जब फोर्स दोनों सूरतों में बराबर लगाई जा रही है। अगर छोटे मास पे ज़्यादा फोर्स लगाई जा रही है तो उसमें ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, अगर बड़े मास पे कम फोर्स लगाई जा रही है तो उसमें बड़े मास पे कम फोर्स लगाई जा रही है तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। अच्छा, सम डेली एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अगर हम कार को एक्सीलरेट करते हैं, फील बैक ऑफ आर सीट पुशिंग अस फॉरवर्ड, तो हमें लगता है कि गाड़ी ने हमें भी आगे फॉरवर्ड किया। और इसकी एक और एग्जाम्पल है, डेली लाइफ में अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट फॉल इन फ्री फॉल ऑन द ग्राउंड इट एक्सेलरेट बिकॉज इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ पुल इट। अर्थ, जमीन जो है ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर क्रिमिच की बॉल है, हम बहुत ऊपर तक फेंक सकते हैं, उसके मुकाबले में हम फुटबॉल बहुत कम फेंक सकते हैं क्योंकि उसका मास नॉर्मल क्रिमिच की बॉल से ज़्यादा होता है। तो इसलिए फोर्स तो हम अगर दोनों में ही हम ही लगा रहे हैं और बराबर लगा रहे हैं, लेकिन मास बड़ा होने की सूरत में एक्सीलरेशन कम हो गई। जैसे हम एक रॉकेट फायर कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं जेट ऑफ गैसेस। अच्छा, उसके अंदर क्या होती है, मुख्तलिफ गैसेस होती हैं जो उसको पुश करती हैं कहाँ पे, फॉरवर्ड की तरफ। वो नीचे फोर्स लगाती हैं और उसका रिएक्शन क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थी आज। अच्छा, फिर मिलते हैं हम नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और जिन हज़रात ने नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर लें, दोस्तों को बताएं ताकि फ़िज़िक्स पढ़ना आसान हो जाए। और वही पहली वाली बात जो फिज़िक्स के लिए एक नफरत है कि बहुत बुरा सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है, ऐसा जैसा नहीं है। सब्जेक्ट को मुश्किल हम खुद बनाते हैं क्योंकि हम वो ज़रा इख्तियार नहीं करते, हम उसको उस तरीके से नहीं समझना चाहते जिस तरह से उसका हक है। जब हम किसी चीज़ को उसके तरीके से समझते हैं, उसकी चीज़ों को जानते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो अपना और दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए। अब तक नए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब नए वीडियो के साथ मिलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीखेंगे, क्योंकि आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।